How often does it happen कि एक writer एक author एक किताब लिखता है और उस किताब के publish होने के बाद 14 साल तक उसके माँबाप, उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त उससे बात नहीं करते, नाराज हो जाते हैं। Today we discuss this author. Let's see what Bookbuddy has in store for you. Keep watching. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक ऐसी ऑथर के बारे में बात करेंगे जिसने एक कंप्लीट टर्मोइल क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में। ये वो खातून है जिन्होंने जब ये किताब रिलीज की, देयर वाज अ कंप्लीट अर्थक्वेक इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। शी इज अ वेरी करेजियस लेडी एंड आई थिंक दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय अ पाकिस्तानी ऑथर एंड द नेम ऑफ द बुक इज माय फ्यूडल लॉर्ड बाय तहमीना दुरानी। तहमीना दुरानी कौन है? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हु तहमीना दुरानी इज। तहमीना दुरानी इज द फॉर्मर वाइफ ऑफ मुस्तफ़ा खर। जिन लोगों को मुस्तफ़ा खर का नहीं पता, मुस्तफ़ा खर वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ पंजाब एंड वॉज वन ऑफ द वेरी क्लोज एसोसिएट्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। इन फैक्ट ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये जो खातून है तहमीना दुरानी, ये इनकी पाँचवीं बीवी थी। यस, फिफ्थ वाइफ। Her father was MDPIA and in fact he was the governor of State Bank of Pakistan. So as a background she had a very affluent background but a very disturbed childhood jo inhone is kitab mein bataya hai. So basically this book is an autobiography about her life and specially the time she spent with Mustafa Khar jo inke shohar the. Ghulam Mustafa Khar is the central character of this book. ये पूरी बुक को अगर मैं एक बॉटम लाइन बताना चाहूँ या इन नटशेल बताना चाहूँ तो ये बुक है इज़ अ स्टोरी ऑफ द रिलेशनशिप दैट तहमीना दुरानी शेयर्ड विद गुलाम मुस्तफ़ा खर ड्यूरिंग हर 14 ईयर मैरिज विद हिम। इट्स अ डेवस्टेटिंग स्टोरी ऑफ हाउ अ वुमेन इज ट्रीटेड इन पाकिस्तान सोसाइटी, हाउ द फ्यूडल माइंडसेट दैट एग्जिस्ट इन आर लैंडलॉर्ड्स has actually destroyed many women in our society. So Tehmina Durrani ki ye jo kitab hai, ye sari story jo hai ye revolve karti hai the relationship that she had with her husband. It was an absolutely devastating relationship, a relationship based on abuse, terrible domestic abuse. Maine is tarah ka domestic abuse apni zindagi mein nahi kabhi suna na kabhi dekha. Of course इट्स एब्सोल्युटली मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि इस खातून ने 14 साल गुजारे हैं मुस्तफ़ा खर से। इट शोज़ द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन। सो इन 60 सेकेंड्स लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ द बुक। ये ऑटोबायोग्राफी है तहमीना दुरानी की और इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि हाउ शी हैड एन अफ्लुएंट चाइल्डहुड बट अ डिस्टर्ब चाइल्डहुड। शी हैड अ वेरी स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद हर मदर हु डिडंट लाइक हर फॉर द कम्प्लेक्शन ऑफ हर स्किन। कैन यू इमेजिन दैट? And as she grew up, she got married to her first husband Anis. And while she was married, she fell in love with Ghulam Mustafa Khar. And so while she was in love, she had a daughter from her first husband Anis. And उसके बाद she divorced her husband and married Ghulam Mustafa Khar. और वो पूरी story है कि how she fell in love with Ghulam Mustafa Khar and how he enthralled her and impressed her. सो इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन जिसमें इसने इतनी स्टार्कली ट्रांसपेरेंटली इसने चीज़ों को बयान किया है कि कई जगह पे इस पर हुदूद ऑर्डिनेंस का लॉ भी लग सकता है। सो दैट इट्स अ वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन ऑफ हाउ हर लाइफ हैज़ बीन। उसके बाद जब इसने शादी की, देर वर अ फ्यू ईयर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। उसके बाद द सॉर्ट ऑफ अब्यूज़, द सॉर्ट ऑफ इंसल्ट दैट शी हैड टू बेयर from her husband is devastating, like I said before. तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा वो political roller coaster ride है जब इसने मुस्तफ़ा खर से शादी की। He was the chief minister, then he became the governor, or how he went into exile after Bhutto got assassinated and she was with him through thick and thin. How Mustafa Khar fell in love, had an illegitimate affair with her sister, and how she had to bear even that. So in some ways it's a very painful painful story of a lady. लेकिन जो चीज़ मुझे बड़ी ही surprising लगी वो ये कि इस खातून ने इतनी अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़ जिसमें उसने उसको मारा है व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट, इसको खून खून किया हुआ है,
despite of that, she was so patient. And so this is one side of the story. Remember, book buddies, ke jab bhi aap is tarah ki koi kitab padhein, so this is an account of Tehmina Durrani. We don't know what Mustafa Khar thinks, but it surely does give you an idea about how the feudal mindset works. So Mustafa Khar ki jo personality hai, wo bahut hi khul ke saamne aayi hai, ke how he has a very complex personality, something of a schizophrenic or a bipolar personality. So if you, it's a very good, I think maine kisi Pakistani author ki, I think I would rate it right at the top in terms of the language and in terms of the engagement. So if you want to study about how the political and the feudal, especially the mindset works in our country, you must buy this book. It's off the shelf, aapko kahin bhi 600-700 rupaye ki mil jayegi. The theme of the book is, of course, like I said before, it's about the dirty feudal mindset that exists, jo kehte hain ki khawateen ki society mein koi izzat nahi hai. They just exist for the pleasure of man. So to all the men and the feudals out there, that's not what the status of women in our society is. Women are equal to men, if not better. So beware the next time you abuse any of our women. So book buddies, My Feudal Lord is a must buy. Get it. I have already presented you a brief review. But when you read this book in detail, you will understand कि किस तरह से ये फ्यूडल्स हमारी ख़वातीन को और हमारे मुआशरे को और हमारी एनवायरनमेंट को एक्सपोज नॉट एक्सपोज सो बुक बरीज माय फ्यूडल लॉर्ड इज अ मस्ट बाय यू मस्ट हैव इट इन योर लाइब्रेरी मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ सा रिव्यू दिया है बट जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे फ्यूडल माइंडसेट दिस फ्यूडल मेन एक्सप्लॉइट नॉट ओनली द वुमेन ऑफ आर सोसाइटी बट ऑल्सो द सिस्टम ऑफ आर सोसाइटी विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल एंड कीप लर्निंग प्रोग्रेसिंग एंड सेल्फ एक्चुलाइजिंग थैंक यू